नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर सत्यजीत रथ के साथ, ये जो बहुत चर्चा में है एक विषय, कहाँ से COVID-19 की जो बीजाणु है SARS-CoV-2, ये कहाँ से निकली, क्या ये नेचर से, प्रकृति से निकली, उससे हमारे पास आई, ये तो ये किसी लैब से लीक होकर फैल गई, ये दोनों चीजों दोनों तर्क दी जा रही है। सत्यजीत, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा, इस तरह सवाल फ्रेम करने में, जिस तरह से फ्रेम की जा रही है, क्या एक दो एक लो प्रोबेबिलिटी चीज और एक जिसको कह सकते हैं हाई प्रोबेबिलिटी चीज, इनको दो पॉसिबिलिटी कह के क्या हम कुछ क्या कहते स्लेट ऑफ हैंड करके दिखाना चाहते कि दो शायद बराबर है? बिल्कुल प्रवीण, बात यह है कि जब अपन कहते हैं कि जूम भी हो सकता है, जूम ही हो सकता है, तब हवा माहौल यूं तैयार होता है कि इसकी और इसकी संभावना बिल्कुल एक जैसी है। तो शुरुआत यहीं से करनी चाहिए कि क्या ये दोनों संभावनाएं मात्रा में एक दूसरे के बराबर की हैं, और इसका जवाब है नहीं। शुरुआत यहां से हो। WHO ने भी कहा है कि लैब लीक का चांस बहुत कम है, और वही प्रोबेबल पॉसिबिलिटी कहते हुए बाद में प्रोबेबिलिटी की चर्चा की, संभावना बहुत कम है। तो आप जो कह रहे हैं, WHO की रिपोर्ट ने भी यही कहा था। तो लेकिन बात इसमें यह है कि मान लीजिएगा कि ये जो विषाणु है ये दुनिया के किसी कोने में पहली बार दिखाई दे, माना दूसरा कोई विषाणु होता जो अमेरिका में कहीं पहली बार दिखाई देता, उसके भी जो सारे रिश्तेदार होते वो किसी एक बड़े परिवार के सदस्य होते, वो विषाणु भी उन बाकी रिश्तेदारों जैसा लेकिन उनसे थोड़ा अलग अपनी पहचान रखे और बनाए हुए होता, तब अगर अपन कहते कि भैया अमेरिका में निकला है, अमेरिका में जैविक संसाधनों को लेकर हथियार बनाने की बड़ी पुरानी विरासत है, काम चल रहा है वहां पे, तो ये पूछा जाए कि क्या वहां वैसे संस्थानों में बना, वहां से निकला, तो लोग क्या कहते? जो लोग आज WHO से पूछ रहे हैं कि चीन के बारे में आपने यूं सवाल ना पूछे, त्यों सवाल ना पूछे, यूं सबूत ना मांगे, वो सबूत ना मांगे, वो लोग ऐसी अवस्था में ऐसी जगह क्या कहते? और अपन इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई कहता कि ये अमरीकी किसी संस्थान में से निकला हुआ विषाणु है। सत्यजीत, एक बार मैं आपको रोकना चाहता हूं इस बात पे कि ये एक्चुअली कॉन्स्पिरसी थियोरिस्ट कुछ है अमेरिका में भी, जो कहा है कि फोर्ट डेट्रिक से निकला है, और इसका जो इसमें बायो इंजीनियरिंग सिर्फ नहीं है, इस पे एक सेगमेंट HIV वायरस का भी घुसाया गया है, और इसका डॉक्टर फाउची का इसका पेटेंट भी है, और इसमें बिल गेट्स भी शामिल है, ये सब बता चुके हैं, पर तब लोगों ने कहा तो कॉन्स्पिरेसी थियरी है जी। तो इसमें ये भी कहा है कि बिल गेट्स साहब ने माइक्रोसॉफ्ट में से, जिसमें भारतीय मूल के सुंदर पिचाई भी शामिल हैं, कोई यूं जेनेटिक कोड डाला है, क्योंकि कंप्यूटर में तो कोड होता है, तो कंप्यूटर का कोड जेनेटिक कोड एक ही चीज है भैया, तो वो डाला हुआ है और उसके जरिए वो चिप है, तो उस चिप के जरिए आपको ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि सेलफोन के जरिए आपको ट्रैक कर सकते हैं, तो वैक्सीन के जरिए, विषाणु के जरिए, हर एक चीज के जरिए ट्रैकिंग। अब इस तरीके के जो षड्यंत्र को लेकर सिद्धांतों पे भ्रमित सिद्धांत बने जा रहे हैं, उन्हें छोड़ दीजिएगा। मूल सवाल ये है
कि क्या इस विषाणु की निर्मिति जैसी घटनाएं आम है प्रकृति में, होती रहती हैं, दिखाई देती हैं? तो इसका जवाब है हाँ। यहां तक कि हम भी इन ऐसी उदाहरणों से वाकिफ हैं। कैसे? हर दो चार पांच साल बाद हम एक नए इन्फ्लुएंजा विषाणु के बारे में सुनते हैं, और कभी हम सुनते हैं कि ये सुअरों से आया, कभी भी हम सुनते हैं कि वो दूसरा एक इसी इन्फ्लुएंजा परिवार का सदस्य विषाणु था, वो बतखों से आया, कभी सुनते हैं कि मुर्गियों से आया, कभी यूं कभी त्यूं कभी त्यूं। तो ये जो प्रकृति में एक प्रजाति के जो विषाणु है, जो सूक्ष्म जीव है उस प्रजाति में अपनी निर्मिति बनाए रखने वाले, उनमें से कोई थोड़े बदलाव बने विषाणु किसी और प्रजाति में नए नए घुस जाते हैं, उस प्रजाति में थोड़ी उथल पुथल मचाते हैं, और फिर उस प्रजाति में भी वो अपना अपनी जगह बना लेते हैं। ये जो प्रक्रियाएं हैं ये आम है, ये लगातार चलती है प्रकृति में। तो अगर यूं है तो ये जो विषाणु है, SARS-CoV-2 वाला जो विषाणु है, इसके बारे में कोई अन्य संभावना को लेकर बहुतेरी संभावनाएं हैं या नहीं है, ये सोचना चाहिए। तो साफ बात ये है कि सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि ये विषाणु के जीवन चक्र में किसी प्रजाति में, चाहे चमगादड़ों में, चाहे पेंगुलिन्स में, चाहे सिविट्स में, चाहे दो चार ऐसी प्रजातियों में आगे पीछे होके इस विषाणु की निर्मिति होगी और वो इंसानों में फैलने लगा। मैं ये भी दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि ये जो विषाणु है ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य प्रजाति को प्रभावित करता है। अभी तक ये देखा गया है कि ये चिंपांजी गोरिल्ला वगैरह को प्रभावित करता है, ये देखा गया है कि ये मिंक्स आटर्स वगैरह जो ऊदी बिलुओं की प्रजातियां हैं उन्हें प्रभावित करता है, सिविट्स की जो प्रजातियां हैं उन्हें प्रभावित करता है, ये देखा गया है कि बिल्लियों की जितनी प्रजातियां हैं, शेर हो, शेर बब्बर हो, चीते हो, घर की बिल्लियां हो, सभी को प्रभावित करता है। यहां तक कि चूहों की बड़े परिवार में एक प्रजाति है जिसे हेमस्टर कहते हैं, हेमस्टर को प्रभावित करता है। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंसानों को प्रभावित करता है। तो साफ है कि जैसे विषाणुओं की का उद्विकास होता है, एवोल्यूशन होता है, उसी तरीके से वैसे ही रास्तों पे इस विषाणु की निर्मिति हुई है, उत्पत्ति हुई है असल में कहना चाहिए। तो ये जो सवाल पे सवाल निकले जा रहे हैं कि क्या चीनी अनुसंधान संस्थान में बना, क्या वहां बनाया गया या वहां पे लाया गया और वहां से भूल चूक होके, जिसे लैब लीक थ्योरी कहते हैं, वहां से निकला, क्या ये सब संभावनाएं ऐसी है जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज किया जा सकता है? ना। लेकिन उसका कारण यह है कि किसी भी संभावना को 100% 100% तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वैज्ञानिक सोच में। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि ये बड़ी मात्रा में संभावना रखने वाली शक्यताएं हैं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन वैसी जो कही जा रही है उसके पीछे वैज्ञानिक समझ कम और राजनैतिक स्पर्धा का मसला बहुत ज्यादा है। कॉम्पिटिटिव इस वक्त चीज चल रही है, अमेरिका चीन को कैसे एक कोने में कर सकता है, और साथ साथ वैक्सीन की बिक्री और वो चीजें इससे जुड़ी हुई है। सतीश, मैं और एक सवाल आपके
जवाब के उससे जोड़ना चाहूँगा। आपने कहा कि बहुत सारे जानवरों को यही कोरोना वायरस SARS-CoV-2 इफेक्ट करता है, उस पर असर डालता है, उसको इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब है ये भी सब पाथवेज है, रास्ते हैं, जिससे चिमगादड़ अगर ओरिजिन है इसका, तो उससे किसी और जानवर में आया, इसके बाद इंसान में आया, तो ये इस तरह के पाथवे सिर्फ डायरेक्ट चिमगादड़ से इंसान और इसके बाद फैलना, ये तो चिमगादड़ से किसी और जानवर में जाना, इसके बाद फैलना, इसका मतलब रास्ते बहुत सारे हैं हमारे पास आने में। और दूसरी बात, चिमगादड़ की जो संख्या है, जो जितने सारे स्पीशीज है, वो 1400 है मेरे ख्याल से, कि इस फैमिली में 1400 स्पीशीज चिमगादड़ है। तो यहाँ भी ऐसा नहीं कि चिमगादड़ एक यूनिफॉर्म सा कोई चीज है जिससे फैल सकता है। तो इतनी सारे पॉसिबिलिटीज की जो बात है, तो इसको सामने न रख के ये कहना कि एक लैब से निकला, जो आपने पहले सवाल में कहा था कि एक दो पॉसिबिलिटीज को इस तरह से फ्रेम करने से लगता है कि एक चीज बराबर है जो बराबर नहीं है। एक जो चीज कही जा रही है कि ये प्रमाण क्यों नहीं किया जा पा रहा है, किस रास्ते से आया, किस जानवर से आया। अगर हम इतिहास देखें, चाहे एबोला के हो, चाहे जो H1N1 वायरस की बात हो, और भी जो चीजें हैं हमारे सामने, तो उनमें SARS-CoV-1 की बात करें, मार्स की बात करें, तो उसमें अमूमन कितना साल लगता पता करने में कहाँ से आया, और एड्स वायरस की भी चर्चा है, तो कितना साल लगता पता करने में आया, और क्या हर सवाल का इस तरह का कोई जवाब मिला है क्या? जी नहीं, इबोला को लेकर अभी तक अपने पास पक्के जवाब नहीं है इस सवाल को लेकर। HIV के बारे में विषाणु के खोज के बाद भी 10-15 साल गए इस जानकारी में कि किस आप जिसे रास्ते कहते हैं, किस रास्ते को अपनाकर ये विषाणु इंसानी प्रजाति में आ पहुंचा, ये समझने के लिए 15-1 साल गए। ये तो बातें छोड़िएगा, पिछले 20 साल की देखिएगा, जो सार्स की बात है, जो मर्स की बात है, 20 साल पहले सार्स की बीमारी का विषाणु एक कोरोना वायरस परिवार का सदस्य था, 10 साल पहले मर्स की बीमारी का विषाणु एक कोरोना वायरस परिवार का सदस्य था, लेकिन वो विषाणु भी किस रास्ते से इंसानी प्रजाति तक आ पहुंचे, ये समझने के लिए 5-5, 6-6, 7-7 साल गए। तो इतनी आसान बात नहीं है ये। और ये भी हो सकता है, चूंकि हमें प्रकृति में जाकर वहां से नमूने उठाकर उनकी जांच परख करके ये मालूम करवाना पड़ता है, तो इसमें थोड़ी बहुत सौभाग्यवश संयोग की भी बात होती है ना, कि कहीं सबूत मिल जाए, लेकिन ना मिले तो ढूंढते रहना पड़ता है। तो यूं तो सालों गुजर जाए, आप ढूंढते रह जाओ, ये सब हो सकता है। इस तरीके की अनिश्चितताएं ये जो रास्ते खोजने में है वो बिल्कुल है, उन्हें हमने भूलना नहीं चाहिए। और चूंकि वो अनिश्चितताएं हैं, इसलिए अपन ने उल्टे सीधे षड्यंत्रवादी सिद्धांतों को अपनाना नहीं चाहिए। इसमें और एक बात आती है कि ये कहा जा रहा है कि आप इसको सबूत की साबित कीजिए कि आपके लैब से नहीं निकला, और मुझे लगता है कि सदाम हुसैन को जो कहा गया था, आप साबित कीजिए कि आपके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, वो करीब एक ऐसा सवाल है जो लोग सोचते नेगेटिव प्रमाण करने में दिक्कत क्या है, और वैज्ञानिक रूप से नेगेटिव प्रमाण करना क्या संभव है? जी, सिर्फ मुश्किल नहीं है, कई उदाहरणों में ये बिल्कुल असंभव बात है इस तरीके का प्रमाण देना कि ऐसा नहीं है। और इसी तकलादु आधार पर, बुनियाद पर, ये जो षड्यंत्र वाला सिद्धांत है ये खड़ा हुआ है।
ये अपन ने भूलना नहीं चाहिए, ये भी याद रखें कि परसों चिड़ियाघर में गया था मैं, तो वहां बातें चल रही थी शेरों के कटहरों में कि भैया आपने सुना है कि एक नई बीमारी आ पहुंची है और वो अपन में आती है, ये जो लोग खान पान सेवा करते हैं ना इन्हीं से आती है, तो ये जो इंसान है हमारी नस्ल को पूरा नेस्त नाबूद करने पे तुले हुए हैं, सिर्फ हमारे जंगल काटने से इनका समाधान नहीं हुआ, सिर्फ हमें गोलियों से मारने से नहीं हुआ, हम जहां चिड़ियाघरों में बचे हैं वहां भी बीमारी भेजे हैं, जरूर षड्यंत्र है। सही बात तो यह है कि चिड़ियाघर के शेर बब्बर शेरों को भी इस वक्त कोरोना वायरस COVID-19 के वो शिकार बन रहे हैं। बिल्कुल, इनका इंगित इसी पे इशारा, तो स्वाभाविक है उन्हें लगे कि ये भी षड्यंत्र है उनके खिलाफ। सत्यजीत, ये जो सवाल है एक बहुत और एक सवाल से जुड़ा हुआ है, जो है कि बायोलॉजिकल वेपन्स रिसर्च, जो कि बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन में बंद कर दिया गया था, सब ने स्वीकार कर ले कि बायोलॉजिकल वेपन्स हम नहीं बनाएंगे, पर बायोलॉजिकल कन्वेंशंस केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के अलग इशू है। बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन में जो एक पर्ची बनाई गई थी, एक दस्तावेज बनाया गया था, कैसे इन चीज़ों को हम नियंत्रण कर सकते हैं और क्या ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए देखने के लिए कि इन एडवांस रिसर्च लेबोरेटरीज जो हैं जहां पर इस तरह के शोध हो सकता है, तो उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स होनी चाहिए और क्या क्या वेरिफिकेशन ना कहें पर कम से कम क्या ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और इससे 2001 में बुश एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त जॉन बोल्टन के नेतृत्व में, जिन्होंने न्यूक्लियर डील्स, बहुत सारे आर्म्स एग्रीमेंट्स को तोड़े हैं, उनके नेतृत्व में अमेरिका ने इससे इनकार कर दिया था, उसके वजह से आज भी बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की जगह जहाँ पर यह है कि कैसे इन चीज़ों को देखा जा सकता है, अगर वो प्रोटोकॉल्स होते तो वुहान लैब में जो मांग रहे हैं ये मौजूद होता, और ये सिर्फ उनके लिए मौजूद नहीं होता, वुहान लैब के लिए, हर रिसर्च लैब के लिए मौजूद होता। और अमेरिका के तब कहना था हम अपने रिसर्च लेबोरेटरीज में ये होने नहीं देंगे क्योंकि इससे हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हानि पहुंचा सकता है और हम क्या रिसर्च करना कर रहे हैं किसी को हम बताना नहीं चाहते, उसको हम खोलना नहीं चाहते। तो सवाल ये है कि अगर वुहान लैब से ये सवाल की जा रही है तो क्यों ना बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन की जो डॉक्यूमेंट थी, दस्तावेज थी, उसको फिर से शुरू करें ताकि सचमुच एक ऑनेस्ट पर्पस हो, कम से कम इतना तो दिखे। वो तो सरकार अमेरिका इसमें करने के लिए करते ही तैयार नहीं है, वो तो इंटेलिजेंस एजेंसी का कुछ तथाकथित रिपोर्ट, जिसका हमने इराक वॉर पे हमने देखा हुआ है उसकी क्या क्या उसकी सच्चाई है, और इस तरह के तर्क से ये इस वक्त वुहान लेबोरेटरी को सवाल किए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन की प्रोटोकॉल पर मैं फिर वापस जाना चाहिए? एक और बात, ये बात है जो आप कह रहे हैं प्रवीर, के बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो प्रणालियां हैं, वो उन्हें मंजूरी मिलनी चाहिए, वो इस्तेमाल होने चाहिए, उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर की सच्चाई ये है कि हर एक देश को, सिर्फ चीन को, सिर्फ अमेरिका को, सिर्फ रूस को, सिर्फ फ्रांस को, बर्तानिया को, ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, हर एक देश को अपने स्ट्रेटेजिक सेक्टर की बहुत चिंता होती है। एक और तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हुई जो मुनाफे की ओर जाती है, दूसरी ओर स्टेट पावर की बात हुई, सरकारी ताकत की बात हुई जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर को लेकर होती है, और इनमें जो गफलतें होती रहती है, इनमें जो गड़बड़ियां होती रहती हैं कि ये क्या फलां चीज स्ट्रेटेजिक सेक्टर वाली है या सिविलियन सेक्टर वाली है, ऐसे भी सवाल फिर आके खड़े होते हैं
जिनके जवाब देना बड़ा पेचीदा मसला होता है। ये हुई एक और बात। दूसरी और बात, किसी भी प्रणाली को देखो, प्रणाली की कार्यवाही में कहीं ना कहीं भूल चूक तो होती ही है, इंसानी बात है। कागज जहां रखने पड़ते हैं, जहां सब कागज पे लिखावट करवानी पड़ती है, जहां लॉग इन लॉग आउट करना पड़ता है, वहां कहीं ना कहीं नजरअंदाज बात होके गड़बड़ होती है। जब आप उसको यूं देखो कि आपने कोई गुनाह किया हुआ है, उसका सबूत हम ढूंढ रहे हैं, तो लोग भागे दौड़े छिपाने लगते हैं। ये भी एक स्वाभाविक इंसानी मसला है। ऐसे सब पुर्जे हैं, पहलू हैं, जिनकी वजह से ये जो इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, जांच पड़ताल की बात हो रही है, वो उतनी आसान नहीं है जितनी लोग कहते हैं कि होनी चाहिए, और अगर चीन नहीं होता तो हो जाती। कहीं भी हो, कैसी भी हो, ऐसी जांच पड़ताल बड़ी मुश्किल होती है। सही बात है, और इसीलिए आप जो कह रहे हैं, मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा कि जिसको ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी, ऐसे टेक्नोलॉजीज है दोनों इस्तेमाल हो सकता है, और सिविलियन यूज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज भी वही है, केमिकल टेक्नोलॉजीज भी वही है, और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज भी वही है। सही बात तो ये है, साइबर टेक्नोलॉजीज की बिल्कुल यही बात है, आजकल चल रही है साइबर वेपन जिसे कह रहे हैं। तो शायद ऐसा कोई वैज्ञानिक विषय है जो उसका दोनों यूज नहीं होता। एक बार एक नंबर थियोरिस्ट, उन्होंने कहा था, मैं नंबर थियोरी इसीलिए करता हूं कि इससे कोई जंग की काम नहीं हो सकता। और आपने जो अभी जिक्र किया साइबर वेपन्स की, वो एक्चुअली क्रिप्टोग्राफी नंबर थियोरी पे आधारित है। तो यह तो एक बात हुई कि नियत की बात है, कि आपकी नियत क्या है इसकी बात है, और असली बात यह है कि यहाँ पर बायोलॉजिकल वेपन्स को, न्यूक्लियर वेपन्स हो चाहे केमिकल वेपन्स हो, उनको एक ही तरफ देखने की एक ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप वो करेंगे तो सबकी ट्रांसपेरेंसी बरती जानी चाहिए। आप जो एक तरफा चीन को कटघरे में खड़ा करके ये सवाल पूछना चाहते हो, ये चीज जो है नियत को दिखाता है कि आप इसको इससे क्या निकालना चाहते हैं। और ये एक आज के तारीख पे एक वैज्ञानिक कार्रवाई नहीं है, इसके पीछे और कुछ मतलब छुपा हुआ है। सत्यजीत, हमारे साथ आज इन चीज़ों पर विस्तारित विचार करने के लिए धन्यवाद। हम आपको इस तरह के विषयों पे, खास तौर से COVID-19 से जुड़ा हुआ है, और भी बातें करेंगे आपके साथ, क्योंकि ये चैलेंज हमारे सामने अभी भी लंबे चलने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, देखते रहिएगा न्यूज क्लिक और आइएगा हमारे वेबसाइट। Thank you.